दोस्तों, मेरा नाम है नईम कमाली और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ लाहौर के बाजारों पर लिखी हुई शौकत थानवी साहब की एक खूबसूरत तहरीर। खास खास बार रौनक बाजारों में अनारकली का जिक्र सबसे पहले करना पड़ेगा ताकि वहां आप शहजादा सलीम बनने की कोशिश हरगिज न करें। अनार की बेशुमार कलियां आपको अनारकली में इधर उधर लहराती हुई नजर आएंगी, लेकिन इस तूफान रंगो बू में अगर आपने जरा भी एहतियात का दामन अपने हाथ से छोड़ा तो मुमकिन है कि तारीख वफात इसी मिसरे से निकले। मारा दयार गैर में मुझको वतन से दूर। उन सबको खामोशी से देखना और खुश होना चाहिए। अलबत्ता अगर बहुत ही शेरियत सताए तो इस किस्म के मिसरे आप जेरे लब कटकटा सकते हैं कि ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। इस बार रौनक बाजार की रौनक का ये आलम है कि जा बजा तामीर के सिलसिले, सड़क की खुदाई, मुख्तसर ये कि कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ आपको जरूर नजर आएगी। इस बाजार की किस्मत में यही है कि कुछ बनता रहे और कुछ बिगड़ता रहे। जब कुछ बन जाता है तो उसको कुछ और बनाने के लिए खोद डालते हैं ताकि ये साबित होता रहे कि अनारकली की तामीर अभी तक तकमील को नहीं पहुंची है। कहते हैं कि अनारकली का धड़कता हुआ दिल इस बाजार की बुनियादों में मौजूद है और ये मुश्किल है कि इस बाजार को कभी सुकून हासिल हो। एक मर्तबा अनारकली की सैर करने के बाद एक हफ्ते तक दांत कर कराया करते हैं और मैदे में इस कदर धूल जमा हो जाती है कि इस पर मुल्तान का शुबा होने लगे। ये बाजार उर्दू बुक स्टॉल से शुरू होकर माल तक चला गया है। रास्ते में एक दुनिया आबाद है, चाट की दुकानें, करनाल शॉप की चप्पलें, मलाई की बर्फ, भल्ला फुटवेयर। ये अब देखने वाले का काम है कि इनमें से खाने की चीजों और दूसरी चीजों में इम्तियाज कर ले। लाहौर की माल रोड अलबत्ता अजीब व गरीब बाजार है। साफ सुथरी और शानदार दुकानों का एक तवील दो रोया सिलसिला और लुत्फ ये के बाजार पर बाजार का शुबा भी नहीं होता। कॉलेजों के तालबे इल्म पार्लियामेंट के मेंबर बने हुए अपनी नुमाइश करते फिरते हैं, कुछ पैदल, कुछ मोटरों पर और कुछ बच्चा गाड़ियों में अपनी आयाओं के साथ। बाहर से जाने वाला अगर ये समझकर दिल खुश करना चाहे कि वो किसी मगरबी शहर की सैर कर रहा है तो माल रोड उसके गुमान को गालिब बनाने में हर तरह मदद देने को तैयार नजर आएगी। इस बाजार से बाजार के अलावा लोग बाग का काम भी लेते हैं। खरीदो फरोख्त के लिए जो लोग आते हैं वो यहां साफ पहचान लिए जाते हैं, इसलिए कि चेहरों पर जो आम बेफिक्री की अलामत महज घूमने वालों में नजर आती है वो उनके बशरे से नहीं टपकती। घूमने वालों की नजरें दूसरे घूमने वालों और घूमने वालियों पर होती हैं, उन कारोबारी लोगों की निगाहें साइन बोर्डों पर। इस बाजार से अपने हुस्न, अपने लिबास, अपनी जवानी, अपनी तंदुरुस्ती वगैरह की नुमाइश का काम भी लिया जाता है और इस तरह ये बाजार एक किस्म का बाजार मिस्र बनकर रह गया है, जहां सैकड़ों यूसुफ खुदबीनी और खुद नुमाई के आईने लिए फिरते हैं।